नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें हिमाचल की और मैं हूं आपके साथ मोनिका। शुरुआत करते हैं हिमाचल की बड़ी और अहम खबरों के साथ। राजभवन शिमला की सुंदरता और यहां जुड़ी इतिहास की घटनाओं के बारे में अब लोग रूबरू होकर जान सकेंगे। ये ऐतिहासिक पहल हिमाचल के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने की है। उन्होंने राजभवन में शिव मंदिर और हनुमान मंदिर की स्थापना भी की है। राज्यपाल रोज यहाँ हवन भी करवाते हैं। इस अवसर पर राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने ANB न्यूज से बात की। स्थानीय लोगों के लिए खोल दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी पहल है क्योंकि ये एक इमारत जो है अपने आप में एक धरोहर समेटे हुए हैं और ये जो पहल है ये जो वर्तमान में राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ल उन्होंने की है, उन्हीं से जानते हैं इस पहल के पीछे उनका क्या उद्देश्य था और क्या जो आने वाले समय में और वो क्या सोचते हैं आने वाले दिनों के लिए। सर, ये जो पहल आपने की है इसके पीछे क्या सोच थी आपकी? इसके पीछे सोच मेरी ये रही कि हिमाचल की अनेक संस्कृतियां इसमें छुपी हुई हैं जो कोई देख नहीं पाता है, तो मुझे ये लगा कि इसको राजभवन के साथ ही साथ लोक भवन बना दिया जाए और लोक भवन तभी हो सकता है जब लोक के लिए खोला जाए। यह सोच करके मैंने ये किया। लोग सुना करते थे कि शिमला समझौता हुआ था, कभी शिमला समझौता इसी भवन में हुआ था, तो कहाँ हुआ था इसकी किसी को जानकारी नहीं है। अब लोगों को जानकारी हो सकेगी कि दो प्रधानमंत्रियों के बीच में यहाँ शिमला समझौता हुआ था, उसकी मेज, उसकी कुर्सियाँ, ये सभी की सभी यहाँ पर है। साथ ही साथ यहाँ की संस्कृति, यहाँ की कलाकृति और स्वतंत्रता के पूर्व के अनेक अस्त्र शस्त्र, ये सब कुछ यहाँ विद्यमान है जो बाहर कभी कोई देख नहीं पाता था, तो उन सभी लोगों के लिए मैंने खोल दिया है। अब आकर के उसका दर्शन भी कर सकेंगे, उसको देख भी सकेंगे, इतिहास की भी जानकारी कर सकेंगे, हमारी कलाकृति क्या है इसकी भी जानकारी कर सकेंगे, संस्कृति क्या है इसकी भी जानकारी कर सकेंगे। तो एक छोटे से पहल पर यह बहुत बड़ी बात हो जाएगी जिसको मैंने मेरे मन में आया था और आज वो कार्य रूप ले लिया। सर, ये जो आपने राजभवन खोला है लोगों के लिए, इसमें अपने आप में एक पूरा इतिहास समेटे हुए हैं। अलग अलग जो इसके रूम्स हैं, अलग अलग इतिहास अलग अलग है। शिमला समझौता जैसे आपने बताया, अब जैसे बच्चे आएंगे, बच्चों को यहाँ पे किस तरह से बच्चों के लिए जानकारी वर्धक रहने वाला है? यहाँ है, लोग जानकारी देंगे, फोटो भी खींचेंगे, उनको फोटो देंगे भी, कुछ साहित्य है साहित्य भी यहाँ देंगे ताकि उसकी जानकारी हो सके। उसके पूर्व, अंदर प्रवेश करने के पूर्व एक टेलीफिल्म है, उस टेलीफिल्म को दिखा करके उसकी जानकारी भी देंगे। ये सब कुछ करने का प्रयत्न मैंने किया है, आगे और क्या सुधार किया जा सकता है वो भी करेंगे। जी सर, जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले बताए थे राजभवन में हर दिन हवन भी होता है, तो क्या किस तरह से आप वो आयोजित करते हैं और क्या आने वाले दिनों में जिस तरह आपदा प्रभावित हमारा हिमाचल इस वक्त है उसके लिए लेकर कुछ आप तो सोच रहे हैं? देखिए, हवन या पूजा यह एक व्यक्तिगत सोच का विषय है जो मेरे मन में है, किसी की में नहीं भी हो सकता है जी। तो उसको किसी को कंपेल नहीं किया जा सकता है, किसी को ये नहीं कह सकता नहीं आप इसको करो ही। मेरे मन में है, हवन यहाँ होती है, जलाभिषेक मैं करता हूँ प्रत्येक दिन, श्री हनुमान जी की प्रार्थना मैं करता हूँ, इस नाते इसको करके दूसरे लोग अगर चाहें तो वह निश्चित रूप से कर सकते हैं, कहीं बंधन नहीं है, लेकिन किसी को कंपेल नहीं कर सकते हैं। आपने राजभवन आने के बाद एक इनिशिएटिव भी लिया, एक और पहल की थी कि यहाँ मंदिरों का, ये जो मंदिर बनवाए आपने, तो ये किस तरह से यहाँ ये भी लोगों के लिए खोले गए हैं और किस तरह से ये लोगों के लिए साबित होंगे कि लोग यहाँ पर आएंगे और क्या जो राजभवन है, राजभवन एक अपने आप में एक रहस्य था लोगों के लिए, अभी तक सिर्फ वो सुनते थे पढ़ते थे लेकिन वो देखना अपने आप में एक रोमांचक स्थिति होगी, तो उसको आप कैसे देखते हैं? अब ये तो उन लोगों के सोचने का विषय है कि वो कैसा देखते हैं। मेरे मन में तो ये था कि नहीं, मंदिर होना चाहिए तो मैंने मंदिर किया, पूजा होनी चाहिए तो मैंने पूजा किया, जिसको अच्छा लगे वो करे, जिसको ना अच्छा लगे ना करे, लेकिन लोक में हर चीज होता है और राजभवन अब लोक भवन है। जी धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए।
वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज सिरमौर जिले के एक दिन के प्रवास पर पहुंचे थे। उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उसके बाद नाहन विधानसभा क्षेत्र के आपदा प्रभावित कंडईवाला गांव पहुंचे। यहां उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। उसके बाद उन्होंने क्षेत्र के लोगों के साथ बैठकर उन्हें विश्वास दिलाया कि प्रदेश सरकार उनकी सहायता के लिए हर समय तैयार खड़ी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज सिरमौर जिले के एक दिन के प्रवास पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उसके बाद नाहन विधानसभा क्षेत्र के आपदा प्रभावित कंडईवाला गांव पहुंचे, जहां उन्होंने क्षेत्र के लोगों के साथ बैठकर चर्चा की और विश्वास दिलाया कि प्रदेश सरकार उनकी सहायता के लिए हर समय तैयार खड़ी है। जिसने बड़े अरमानों से अपना घर बनाया होता है, उसके घर बनाने में भी आप तक मदद करें। जिसकी फसल नष्ट हो गई है, 6 महीने में या साल में एक फसल आती है, उसकी फसल का भी मुआवजा देने में हमारी सरकार पूरा उनको आर्थिक मुआवजा दी। तीसरी बात, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, पैसे से जख्मों को नहीं भरा जा सकता, मृत्यु पैसे से नहीं भरी जा सकती, लेकिन उनके परिवार को जो भी हमारी सरकार से आर्थिक सहायता की जरूरत होगी हमारी सरकार को उपलब्ध कराई। पहली अंतरिम राहत की पहली किस्त का पूरा कर मुझे बता दीजिए कि कहाँ मिला है। मुझे तो ये दुख होता है कि चारों संसद यहाँ से चुनकर गए हैं, एक बार भी संसद में कभी भी इस आपदा पर कोई सवाल तक नहीं पूछा, कोई चर्चा तक नहीं लाया। चलिए छोड़िए, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जगत प्रकाश नड्डा जी है, उन्होंने हमसे जरूर पूछा, आप चारों सांसद मिलकर क्या इस आपदा में सरकार को कोई मदद दिलाने में सफल हुए हैं? अंतिम राहत की पहली किस्त दिलाने में सफल हुए हैं? इस समय राजनीति का समय नहीं है। इस समय मैं शांता कुमार जी की बात का धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि आपदा में पक्ष विपक्ष कुछ नहीं है, एकजुटता का परिचय होकर काम करना चाहिए। आप आइए, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। अगर आप हमारे नेतृत्व में चलने को तैयार नहीं, मैं हिमाचल की जनता के लिए उन्हीं के नेतृत्व में चलने को भी तैयार हूँ। लेकिन इस समय अगर इतिहास की सबसे बड़ी आपदा है, आज़ादी के बाद की सबसे बड़ी आपदा है, और हमने आज इसको अपने राज्य की आपदा घोषित किया है, इसमें कोई राजनीति नहीं कीजिए। विधानसभा सत्रों का राजनीति करेंगे, लोकसभा चुनाव होगा राजनीति का समय। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है श्री भूपेश बघेल जी का तह दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैंने तो उनसे अनुरोध किया था, लेकिन उन्होंने उससे डबल हमारे को राशि दी है 11 करोड़ रुपये की। मुख्यमंत्री होने के नाते मैं उनका हिमाचल प्रदेश की जनता की तरफ से, हमारे सभी लोगों की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूँ। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।